हे एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नीति जीतू ऑफिशियल के आज के ब्लॉग में। सो गाइस, काफ़ी दिन हो गया था मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी, तो इसलिए सोचा क्यों ना चलो आज थोड़ी आप लोगों से बातें किया जाए और ब्लॉग बनाया जाए। सो गाइस, देखते देखते आ गई है रामनवमी और कल है रामनवमी। सो उसकी ढेर सारी तैयारियाँ चल रही है घर में, आप देख भी सकते हो मैं बहुत भीगी हूँ, पसीने पसीने हुई हूँ। घर में बहुत सारा काम है, झाड़ू पोछा है, हर चीज़ करना है। सो इसकी वजह से थोड़ा सा बिजी थी। सुबह से ही चल रही थी रामनवमी की सारी तैयारियाँ। और जैसे कि मेरे मायके में यहाँ का नियम ये होता है कि रामनवमी के दिन, मतलब पूरी एक दिन पहले से ही, मतलब घर की साफ़ सफ़ाई की जाती है। करने के बाद, इसके बाद साफ़ सफ़ाई होती है, साफ़ सफ़ाई करने के बाद मतलब कि पूरी रात पूजा पाठ होती है, मतलब उसको रात जागा बोलते हैं, मतलब रात में पूरी रात जग करके पूजा पाठ की जाती है, तो इसलिए उसको रात जागा बोलते हैं। और उसके दूसरे दिन रामनवमी मनाई जाती है। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर ऐसे मतलब रीति रिवाज से पूजा की जाती है। और उस दिन मतलब रात में ही मम्मी क्या करेंगे, पूरी वगैरह बनाती हैं और वो सारी चीज़ें रेडी करती हैं। करने के बाद वो मतलब घर की जो कुल देवी होती हैं, जो मतलब कुल देवता होते हैं, किसी के देवी होते हैं, किसी के देवता होते हैं, तो उस हिसाब से मतलब हर किसी के अलग अलग होते हैं, तो उनकी पूजा की जाती है। और मेरे मायके का यही रूल है। सो इस तरह से सारी तैयारियाँ चल रही है। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको एंड तक बताऊँगी कि कैसे कैसे क्या किया गया है और कैसे कैसे पूजा हो रही है। टाइम वेस्ट ना कर। सो आज नीतू जी थोड़ा बिजी हैं, सो दिखा रहे वो कहाँ बिजी हैं। तो ये रही नीतू जी, इसीलिए मुझे चैनल को स्टार्ट करना पड़ा। तो ये मेरा साड़ी में कुछ काम कर रही है जो बाकी रह गया था बहुत टाइम से। ये जब भी मायके आती है तो इनसे हम अपना सारा काम करवा लेते हैं। तो ये गम लगा रही हैं, स्टोन वगैरह चिपका रही हैं। तो आप लोगों को भी कोई काम हो तो दे दीजिएगा। सो गाइस, रात के टाइम 9 बज रहे हैं, बस सब हम लोग खाना पीना कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर सब मम्मी हम सब मिल करके झाड़ू पोछा भी कर लिए हैं। झाड़ू पोछा हो गया, अब बस सोने जाने की तैयारियाँ हैं। मम्मी बस से गई हैं नहाने के लिए, नहा करके आएंगे, इसके बाद वो पूजा पाठ करने की तैयारी करेंगी। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रामनवमी है और जैसे कि मैंने बताया था कि मम्मी पूरी रात जग करके पूजा वूजा की थी और सारी मतलब खाना में बहुत सी चीज़ें भी बनाई थी, क्योंकि रात जागा होता है, मतलब रात को जग करके पूजा होती है, ये मेरे मायके का रूल है। सो जैसे कि मैं बिहारी हूँ और मेरे मायके में सारे रूल चलते हैं, तो वो पूजा, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ तो वो पूजा मैं नहीं देख सकती, तो इसलिए मैं पूजा में थी नहीं और मैंने पूजा का वीडियो भी शूट नहीं किया था। क्योंकि कहते हैं कि जिस बेटिया की शादी हो जाती है, जो शादीशुदा बेटियाँ होती है, वो कुल देवता की पूजा वगैरह नहीं देखती, तो इसलिए मैं वो पूजा नहीं देखी थी और ना ही मैं वीडियो शूट की थी। सो सुबह का टाइम है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी ने कैसे कैसे क्या क्या किया और पूजा कैसे कम्प्लीट किया। सारी चीज़ें मम्मी ने रात में ही बनाई थी। पूजा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रात जागा करना है, तो इसके लिए मम्मी ने रात में ही सारी चीज़ें बनाई थी। कुछ रह गया था तो मैं अभी जस्ट सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा गर्मा गर्म बना रही थी, क्योंकि पापा को भी खाना था और हम सबको भी नाश्ते के लिए चाहिए और सबको भेजना भी था क्योंकि प्रसाद है, तो इसलिए मम्मी फटाफट से सबको पैक करके दे रही हैं। तो गाइस, ये है रामनवमी की पूजा जो कि मम्मी ने किया था, सुबह सुबह ही किया था। ये सारी चीज़ें चढ़ाई थी जो कि अभी भी दिख रहा है।
ये सारी चीज़ें पूरी है, गुलगुला इसको बोलते हैं। अगर आप बिहारी होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि गुलगुला किसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मम्मी ने चढ़ाई थी और खाने में भी बनाई थी। एक हुआ गुलगुला, यहाँ सुबह का टाइम है, नाश्ता कर रही है, यहाँ पानी के सारे बोतल रखे हुए हैं और मम्मी रात में काफ़ी देर तक जगी हुई थी तो बहुत थक गई हैं, तो इसलिए मम्मी यहाँ थोड़ा रेस्ट ले रही हैं। अब बस फटाफट से मैं मम्मी को उठाऊँगी क्योंकि नाश्ता हम लोगों को भी करना है, पापा ऑफिस निकल चुके हैं। सो चलिए मैं मम्मी को उठाती हूँ ताकि नाश्ता वास्ता हमारा हो जाए। गाइस होप करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, आप काफ़ी इन्जॉय किए होंगे ये व्लॉग। ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। और दिल से आप लोगों को हैप्पी रामनवमी, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल से। एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरा वीडियो देखते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।